नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभा निरीक्षण, लेकर आई हूं आपके लिए एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की ताजा खबरें। रैपर धर्मेश परमार उर्फ एमसी तोड़फोड़ का महज 24 साल की उम्र में निधन हो गया। इसकी जानकारी उनके बैंड स्वदेशी मूवमेंट ने खुद दी है। आपको बता दें कि ये वही रैपर है जिन्होंने जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय में रैप इंडिया 91 गाया था। धर्मेश की मौत का कारण अभी सामने नहीं आया है। एक्टर रणवीर सिंह और सिद्धांत चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर रैपर की मौत पर अफसोस जाहिर किया है। अभिषेक बच्चन की फिल्म दसवीं की चर्चा जोरों पर है। फिल्म का ट्रेलर 23 मार्च यानी कल रिलीज होगा, लेकिन फिल्म में ट्रेलर आने से पहले ही सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल अभिषेक बच्चन ने फिल्म से जुड़े 3 नए पोस्टर्स साझा किए हैं, जिसमें अभिषेक बच्चन, यामी गौतम और निमृत कौर की तस्वीरें हैं। यामी गौतम एक सख्त पुलिस वाले के रोल में नजर आ रही हैं, तो वहीं निमृत कौर सलवार सूट पहने कुर्सी पर परेशान होकर दिख रही हैं। और आपको बता दें कि फिल्म में निमृत कौर मुख्यमंत्री का किरदार निभा रही हैं। आखिरी पोस्टर में खुद अभिषेक बच्चन हैं जो हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं। फिल्म में अभिषेक बच्चन एक ऐसे आदमी का किरदार निभा रहे हैं जो जेल में कैद है और वो दसवीं की परीक्षा देना चाहते हैं, और उनको लगता है कि दसवीं की परीक्षा देना सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। फिल्म नेटफ्लिक्स पर 7 अप्रैल को रिलीज हो जाएगी। ऋषि कपूर और जूही चावला की जोड़ी साल 1992 में फिल्म बोल राधा बोल से मशहूर हो गई थी। दोनों ने साथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म शर्माजी नमकीन जल्द ही ओटीटी पर रिलीज होने वाली है। ये फिल्म ऋषि कपूर का आखिरी प्रोजेक्ट था, जिसके पूरा होने से पहले ही उनका निधन हो गया था। उन्होंने फिल्म के एक बड़े हिस्से की शूटिंग की थी, लेकिन उनके निधन के बाद मेकर्स ने फैसला लिया कि बाकी की फिल्म को परेश रावल से पूरा करवाएंगे। इस फिल्म में उनकी को एक्टर रही जूही चावला ने उनके बारे में कई सारी बातें साझा की। जूही चावला से ऋषि कपूर के साथ यादगार पलों के बारे में पूछा गया तो वो मुस्कुराते हुए बोली, बहुत सी यादें हैं। अपने करियर की शुरुआत में मैं उनसे डरा करती थी, क्योंकि मैं चिंटू जी के सामने न्यू कमर की तरह थी। मैं अक्सर अपनी लाइन भूल जाया करती थी या फिर डायलॉग में गलती कर दिया करती थी। उनके सामने एक्टिंग करना एक बहुत बड़ा टास्क हुआ करता था, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक हो गया। जूही चावला ने बताया कि उन्हें हमेशा उनसे डांट पड़ा करती थी। एक्ट्रेस ने बताया कि जब भी चिंटू जी गुस्सा करते थे तो मैं हंसने लगती थी। आपको बता दें कि फिल्म शर्माजी नमकीन 31 मार्च को रिलीज हो जाएगी। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की फिल्म 83 लंबे इंतजार के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुकी है। साल 2021 में आई ये फिल्म 24 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज की गई थी। दर्शक इसके ओटीटी पर आने का इंतजार कर रहे थे। अब 83 को नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार पर दिखाया जा रहा है। ये फिल्म 1983 में भारत के विश्व कप जीत पर बनाई गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद फिल्म 83 को सोमवार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम किया गया है। दरअसल हॉटस्टार और नेटफ्लिक्स के मालिकों ने कोर्ट के सामने डिजिटल मीडिया अधिकारों और सैटेलाइट के संबंध में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने फिल्म के डिजिटल रिलीज पर स्टे लगाने से इंकार कर दिया। आपको बता दें कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए दर्शकों को ये खुशखबरी खुद दी है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा कि हम स्टेडियम में हैं क्योंकि हम फैंस की चीयरिंग सुन सकते हैं। 83 हिंदी, कन्नड़, तमिल, तेलुगू और मलयालम भाषाओं में भी स्ट्रीम हो रही है। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार इंडस्ट्री के सबसे फिट और डिसिप्लिन एक्टर माने जाते हैं। अक्षय कुमार की उम्र 50 साल की है, इसके बावजूद वो आज भी नई जनरेशन के लिए फिटनेस आइडल बने हुए हैं। वो फिटनेस के मामले में कई नए उम्र के लोगों की प्रेरणा है, मगर खुद अक्षय कुमार 126 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद की फिटनेस के मुरीद हो गए हैं, जिनका वीडियो उन्होंने शेयर किया है। वीडियो में स्वामी शिवानंद पुरस्कार लेने के लिए अकेले जाते हुए दिख रहे हैं। 125 साल की उम्र में शिवाजी स्वामी शिवानंद को बिना किसी सहारे के तेज कदमों से चलते हुए देख अक्षय भी हैरान रह गए और उनका वीडियो शेयर करते हुए उनकी तारीफ करने लगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से जुड़ी हर खबर के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।